हेलो दोस्तों, क्या आपको टीचर से हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बार बार रिमार्क्स मिलते हैं? क्या आपको आपकी हैंडराइटिंग की वजह से एम्बैरस फील होता है? क्या आप एग्जाम्स में केवल आपके खराब हैंडराइटिंग की वजह से मार्क्स खो देते हैं? क्या आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए सही तरीकों की तलाश कर रहे हैं? अगर इन सभी क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हाँ है तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली यूजफुल होगा। आज हम आपके साथ कुछ यूजफुल टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग 30 दिनों में इम्प्रूव कर पाओगे, और इसके लिए आपको सिर्फ डेली 30 मिनट स्पेयर करने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हमारी फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें हमारी करंट हैंडराइटिंग एनालाइज करनी है। ये आप कैसे कर सकते हो? आप अपनी नोटबुक में से कौन सा भी एक पेज लो जहाँ आपने ऑलरेडी कुछ लिखा हो, और देखो कि लेटर्स बेसलाइन को टच कर रहे हैं या नहीं। स्लांट्स पे ध्यान रखें, क्या ये स्ट्रेट है या फिर लेफ्ट और राइट है पर कंसिस्टेंट है। मैंने लेटर ज्यादा स्क्वीज किया है या फिर ज्यादा स्प्रेड किए हैं या फिर ये प्रॉपर है। क्या मैंने कुछ लेटर्स ओवरलैप किए हैं और उनको ज्वाइन किया है। इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप आइडेंटिफाई करना है। एक अलग शीट पे आप ऐसे एरियाज नोट करें जहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप ये शीट आपके स्टडी टेबल के पास स्टिक करो। आप अपनी इम्प्रूवमेंट को एक महीने बाद कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको इम्प्रूव करने के लिए बस कुछ ही स्पॉट्स मिले हैं तो आप स्पेशली उन्हें इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आपको बहुत जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आपको ये करने की जरूरत है। स्टार्ट विथ ड्रिल्स। आप दिए गए पैटर्न्स फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। लेटर्स की डायरेक्शंस चेक करें। देखो कि लेटर्स कैसे स्टार्ट करने चाहिए और इसे कैसे फ्लो देना चाहिए। इससे आप लेटर्स राइट शेप में लिख पाओगे और इसी फ्लो में प्रैक्टिस करो। यहाँ पे ध्यान रखें कि प्लेन शीट पे प्रैक्टिस ना करें। सही पेन का यूज करें, ये आप पे डिपेंड है। ऐसा पेन चूज करो जो आपको सूट हो, जो लाइट हो और जिसका इंक फ्लो स्मूथ हो। अगली और इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रैक्टिस। शुरुआत में प्रैक्टिस करते वक्त आप उसी पॉइंट्स और फ्लॉस पे फोकस करो जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। स्पीड पे फोकस मत करो, टाइम लो लेकिन नीट और क्लीन लेटर्स लिखने की कोशिश करो। पहले वीक में बस लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करो। ये आप सिंगल लेटर्स मल्टीपल टाइम लिखकर कर सकते हो या सभी लेटर्स मल्टीपल टाइम्स लिखकर कर सकते हो। कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स की प्रैक्टिस करो। आपको जो स्लांट पसंद है वो आप चूज करो। दूसरे वीक में आप वर्ड्स मल्टीपल टाइम्स लिखने की प्रैक्टिस करो। यहाँ आप लेटर्स के बीच में कंसिस्टेंट स्पेस रखने की कोशिश करो। तीसरे वीक में शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने की प्रैक्टिस करो। यहाँ हमारा फोकस लेटर्स नीटली लिखने पर, लेटर्स के बीच कंसिस्टेंट स्पेस रखने पर और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बीच कंसिस्टेंट स्पेसिंग देने पर होगा। चौथे वीक में हम कंटेंट की लेंथ इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे और साथ ही में लिखने की स्पीड भी बढ़ाएंगे। हमें अच्छी हैंडराइटिंग के साथ अच्छी स्पीड भी चाहिए, बराबर। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दिन में मिनिमम 20 से 30 मिनट इसके लिए स्पेंड करो। याद रखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके लिए जितना टाइम दोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। हमारे पास हैंडराइटिंग सीरीज पे 3 इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं: हस्तलेखन में सुधार कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव कर्सिव लेटर्स एंड एग्जाम में जल्दी कैसे लिखें। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियोस ज़रूर देखो। इससे आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। हमारे वीडियोस लाइक करने के लिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए हम हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल होगा तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इन सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।